हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास टेंथ में बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में मैथ का पेपर देंगे, और जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है वो आपको 21 फरवरी को होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको आपकी विषय गणित के बारे में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपका बोर्ड पेपर का समय होगा वो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा, और जो आपका खंड ए आएगा वो खंड आपका आएंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के आपके आएंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, और कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से आपको आते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, यह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इसका उत्तर पता है या नहीं। तो आपका पहला है अशांत, दूसरा आपका शांत, तीसरा आपका उपयुक्त दोनों, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांत, क्योंकि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है, सदैव वो क्या होता है, वो शांत होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका सेकंड है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन है आपके पास सदैव ए परिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या ए परिमेय, और ऑप्शन है आपके पास एक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सदैव ए परिमेय संख्या होता है। जो ए परिमेय संख्या का गुणनफल होता है वो क्या होता है, सदैव ए परिमेय संख्या होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो मैं आपको इसको करके बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी सरल प्रश्न है आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर आपका क्या आएगा। तो आपका x का मान आपको दे रखा है 0, तो आपको x की जगह क्या लगाना है, 0, तो आप लगाएंगे तो 2x की जगह क्या लगाएंगे, 0 प्लस 3y बराबर 12। उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है, प्लस 3y बराबर 12। उसके बाद आपको क्या करना है, 3y को इधर ले आएंगे बराबर 12, और इसको y को इधर ले आएंगे बराबर 12/3, और इसको काट देंगे 3 चौकी 12, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड 0 4। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमांक शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या लिखना है, एचसीएफ। उसके बाद आपको क्या करना है, 70 का शेषफल कितना है, 5 करेंगे, इसको माइनस करेंगे 5। उसके बाद अपन को क्या करना है, 125 का शेषफल कितना है, 8। उसके बाद आपको इसे निकालने के लिए क्या करना है, 70 में से आपको 5 घटाएं तो कितने बचेंगे इधर, 65। उसके बाद 125 में से आपको कितने घटाने, 8, तो 125 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 117। और उसके बाद अब इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले किसका निकालेंगे, 65 का, तो 65 का इसे निकालने के लिए किस में भाग देंगे, इसका 5 का, 5 एकम 5, वह 5 एकम 5, 5 15, तो इसमें किसका जाएगा, 13 एकम 13। फिर आपको निकालना है 117 का, 117 में किसका भाग देंगे, अब 3 का, 3 तिया
9, 3 आम 27, उसके बाद किसका देंगे 3 का, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 13 में किसका देंगे 13 का 13 एकम 13। तो इनमें कॉमन क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी सिर्फ 13 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है 13। तो तुम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, तो अपन को a का मान बताना है कि a का मान आपका क्या हो सकता है। तो आपको समीकरण क्या क्या दे रहा है, तो सबसे पहले आपको समीकरण को हल करना है। तो समीकरण दे रहा है आपको 2x + ay - 1 = 0। तो क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको अपन 0 को तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का है, तो इधर लाएंगे इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस का। उसके बाद आपके नेक्स्ट समीकरण है 3y - k5 - k7 = 0। तो आपकी सेकंड समीकरण है 3x - 5y = 7। तो अपन इसको भी, ये प्लस का है तो इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो आपको फॉर्म लगाना है a1 / a2। a1 कितना हो जाएगा अपना 2 और a2 कितना हो जाएगा अपना 3। b1 / b2, तो b1 कितना हो जाएगा अपना a और b2 कितना हो जाएगा -5। उसके बाद आपका c1 / c2, तो c1 कितना हो जाएगा आपको -1 और c2 कितना हो जाएगा -7। तो इसको को आगे क्या करना है आपका, अब हो जाएगा a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a1 का मान कितना अपना 2/3 बराबर, b1 का मान कितना है a - 5। तो इसको वर्चुअल मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 3a = 5 × 10, तो ये क्या आ जाएगा -10। तो इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a - 10/3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा -10/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट। तो -10/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट बात, समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है आपके पास क्या है, आपका दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, तो ऑप्शन बी आपका समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन सी आपके पास समीकरण का विविक्तकर 0 है, ऑप्शन डी आपके पास समीकरण के मूल वास्तविक है। तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके दोनों राइट हो जाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है आपका, सी या डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां, आपका सातवां प्रश्न क्या है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष a03 o03 b50 है, इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये जो प्रश्न है, आपको ये कैसे करना होगा, पहले आपको क्या बनाना होगा इसमें आयत, ये आपका क्या हो गया आयत, ये हो गया a और ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका o, a और b दोनों ये हो गए विकर्ण। उसके बाद आपको a का मान क्या रखना है, a का दे रखा है इसमें 0 3 और o का दे रखा है 0 और 3 और b का दे रखा है आपके पास 5 और 0। तो इसको अपन को अब a और b का आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका x1 y1 x2 और y2। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी बराबर करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करना है, x2 का मान कितना है आपका 5 - x1 का मान कितना है आपका 0 का होली स्क्वायर प्लस
वाई टू का मान कितना दे रखा है आपको, जीरो, और वाई वन का मान दे रखा है आपका थ्री, तो का होल स्क्वायर। तो ए भी आपको निकालना होगा, तो ए भी निकालने के लिए आपको तो ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो ए भी तो आपका फिर हो जाएगा ए भी बराबर पाँच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस, तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, तो ए भी बराबर पच्चीस और नौ कितने होते हैं 34 यानी 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 34। तो ऑप्शन में आपका 34 है क्या, हाँ, तो इसका और राइट आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 34। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, यदि समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस पाँच बटे चार बराबर जीरो का एक मूल एक बटे दो है तो के का मान है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको के का मान आपको इसमें याद करना है। तो आपको के का मान कैसे निकालना है, तो चलिए के का मान निकाल के देखते हैं। आपको एक्स स्क्वायर की जगह आपको कितना दे रखा है एक बटे दो, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे एक बटे दो का स्क्वायर प्लस के, और एक्स की जगह आपको क्या लिखना है एक बटे दो फिर माइनस के पाँच बटे चार बराबर जीरो। तो इसका एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर कितना होता है चार प्लस, तो ये हो जाएगा के, उसके बाद कितना हो जाएगा एक बटे दो, एक बटे दो माइनस के पाँच बटे चार बराबर जीरो। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बटे चार प्लस, तो ये हो जाएगा के बटे दो, और ये हो जाएगा आपको माइनस के पाँच बटे चार, माइनस के पाँच बटे चार बराबर जीरो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस के को इधर ले आना है, के बटे दो बराबर ये हो जाएगा, फिर आपका इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएगा प्लस का माइनस के एक बटे चार, तो के बटे दो बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा चार, इधर आ जाएगा पाँच माइनस के एक, तो आपका के बटे टू बराबर पाँच में से एक गए तो कितने बचेंगे चार, तो ये कितना आ जाएंगे चार, तो इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा ये एक बार, तो एक बार कट गए तो के क्या आ गया आपका के बटे कितना हो जाएगा आपका बटे टू बराबर एक, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर दो। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा इसमें आपका दो, तो के का मान कितना आ जाएगा आपका दो। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑप्शन है आपके पास, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त दोनों। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं चार अनुपात नौ के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो ये आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, चार अनुपात नौ का क्या करना है, चार का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर करना है, तो चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह, नौ का इक्यासी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोलह अनुपात इक्यासी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, एक से दस तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो आपको क्या करना है एक से दस तक की, तो एक विषम संख्या लिखनी है धनात्मक, एक तीन पाँच सात और नौ, तो ये कितनी टोटल एक दो तीन चार पाँच, इसमें किसका भाग लगा देंगे पाँच का, तो इनको जोड़ेंगे तो नौ और दस ये टोटल कितने हो जाएंगे इनको पच्चीस, पच्चीस में भाग देंगे इसका पाँच का, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाँच, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पाँच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पाँच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन है आपके पास तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तोरण, तोरण के द्वारा आलेखीय विधि द्वारा इनमें से माध्यिका को प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा तोरण के द्वारा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रचनाएं होगी। ऑप्शन है आपका समांतर, सदैव संपाति, प्रतिच्छेदी या संपाति सदैव प्रतिच्छेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाति। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ए पी में यदि डी बराबर माइनस चार, एन बराबर सात और ए एन बराबर कितना है आपका चार, तो ए का मान आपको क्या करना है, ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको डी का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपका माइनस चार, उसके बाद आपको एन का मान दे रखा है आपका सात और ए एन का मान दे रखा है आपके पास चार। तो अब इनका मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना दे रखा है चार, ए का मान अपन को ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना दे रखा है माइनस, एन का मान कितना दे रखा है आपका सात और माइनस एक, डी का मान दे रखा है माइनस के चार। तो इसमें हो जाएगा अब आपका चार बराबर ए प्लस, सात में से गए तो छः माइनस के चार, तो चार बराबर ए प्लस, छः चौका कितना हो जाएंगे चौबीस हो जाएंगे, तो ये माइनस के चौबीस हो जाएंगे। और ये हो जाएगा अभी इधर चार बराबर प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के चौबीस, तो ये हो जाएगा ए बराबर चौबीस प्लस के चार, तो ए का मान कितना हो जाएगा अट्ठाईस। तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा आपका अट्ठाईस, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका अट्ठाईस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।